नमस्कार, मैं पिंकी जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। इस समय मौजूद है सूरजकुंड मेले में और आपको बता दूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं मुंगलेट पिज्जा। पिज्जा तो सुना होगा, मुंगलेट पिज्जा सुना है क्या आपने? चलो मैं आपको दिखाती हूँ आज की मुंगलेट पिज्जा होता क्या है। सबसे पहले भैया नाम बताओ। ये मुंगलेट पिज्जा मूंग दाल का बनता है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम अवतार है, मैं दिल्ली 6 से आया हूँ और ये मुंगलेट पिज्जा का ही ज्यादातर काम मैंने शुरू किया है। सबसे फेमस चीज है, बहुत अच्छी थी, खाने के लिए भी, पेट के लिए भी और सेहत के लिए भी। अच्छा, जो डाइट करता है उनके लिए भी सही है? हाँ, मूंग दाल तो हर किसी के लिए तो वो अच्छा ही है। अच्छा। और ये लिए मैंने मूंग दाल। चलिए आप आइए एक बार और दिखाएं किस तरीके से भैया बना रहे हैं। ये लिए मैंने मूंग दाल। अब हम ऐड करेंगे इसमें वेजिटेबल, ये हमारी शिमला मिर्च, ऑनियन और ये टमाटो। अब डालेंगे हम इसमें मसाले, हल्की सी रेड चिली डालेंगे, हल्की सी हल्दी डालेंगे, हल्का सा साल्ट डालेंगे और हल्का लेंगे हम इनू। इनू क्यों डालते हैं? इनू इसे इनू डालने से थोड़ा फूल जाता है, थोड़ा पिज्जा टाइप बनेगा। अगर मीनू नहीं डालेंगे तो ये हमारा चीला रह जाएगा। अब इसे हम फेंटेंगे। बटर यूज करते हैं, बटर, अमूल बटर। ये आप देख सकते हैं अमूल बटर में बनाया जा रहा है। कितना टाइम लगता है? जैसे 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट में पकता है सही तरह से। इसके ऊपर डालेंगे हम आपका चुकंदर, हल्का धनिया डालेंगे, भैया ने कैप्सिकम डाला, ऑनियन डाला और उसके बाद उसको टमाटर डाल के उसमें उसको फेंट के डाला है। उसके बाद इसमें बीटरूट्स डाले हैं और उसके ऊपर इन्होंने हरा धनिया डाला है और इसको बनने में 5 मिनट लगेंगे। इससे वैसे आप कहाँ बनाते हैं? एग्जीबिशन में ही काम करते हैं, एग्जीबिशन का ही काम है, प्रगति मैदान है। अच्छा, तो मतलब जो लोग खाना चाहते हैं प्रगति मैदान आके खा। मैदान अभी भी हम प्रगति मैदान में, हमारा जब भी है प्रगति मैदान मेला लगेगा तो हम मिलेंगे। मोस्टली मेले में ही होते, मेले में ही करते हैं। वैसे नहीं है, प्रॉपर दुकान नहीं है। अच्छा। मेले में ही करते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़, देहरादून, मंसूरी, बाहर तक, मतलब चेन्नई तक हम जाते हैं, अंडमान तक जाते हैं, काफी दूर तक हमने। अच्छा। मतलब मेले के थ्रू। सूरजकुंड मेले में पहली बार लगा? नहीं, सूरजकुंड मेले में पहली बार भी लगाया था हमने। अच्छा चला था। कितनी बार लगाया? दूसरी बार। हाँ, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा चल रहा है, अभी पहली बार से अब की अच्छा है। अच्छा। और लोग पसंद भी कर रहे हैं और खाने के लायक है और तारीफ भी करके जाते हैं। खाते लोगों को जो आ रहे हैं भाई, उनके लिए घूमने के लिए धन्यवाद, अच्छी तरह से उनके मिला, शुभ कार्य, मतलब शुभ मंगल में हो, अच्छी तरह से खाएं पिए, सेहत के लिए मतलब सही रहे। चलिए, भैया ने कहा है कि सूरजकुंड मेले में आए हैं और खाए पिए मौज करें और साथ ही अपने सेहत का भी ध्यान रखें। और मूंग दाल जो है वो काफ़ी अच्छा होता है सेहत के लिए। अगर आप थोड़ा हेल्थी खाना चाहते हैं तो आप इनके पास आ सकते हैं। मुंगलेट पिज्ज़ा के नाम से आपको मिल जाएगा और भैया अभी बना रहे हैं, उनको बनने के बाद भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो है वो बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस भी लिख रखा है, मुंगलेट पिज्ज़ा 150 और मटर कुल्चा 120। तो और दूसरा जो मैं बताऊँ, बटर कोई ऐसा नहीं यूज़ किया जा रहा है, अमूल बटर यूज़ किया जा रहा है, जो अच्छी खासी एक ब्रांड है उसका जो है बटर यूज़ किया जाता है। साथ ही हाइजीन का भी ध्यान रखा जाएगा और आपको अच्छे तरीके से यहाँ दिया जाएगा खाना। और मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ किस तरीके से कितना रेडी हो गया है। देखिए गोल्डन कलर अच्छा आ गया है। अभी कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। 2 मिनट एक साइड से पकेगा, 2 मिनट एक साइड से, मतलब 5 मिनट में आपको बन के तैयार हो जाएगा और गरम गरम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ठंडा मिलेगा या फिर सब कुछ, मतलब ताज़ा मिलेगा यहाँ पर अच्छे से। चलिए आप देखते रहे। लास्ट कितने बजे तक होते हैं आप? 8 बजे। 8 बजे लास्ट हो जाते हैं, 8 बजे काउंटर बढ़ाते हैं, ग्राहक रुक जाते हैं फिर भी हमारा मेट खाने के लिए 8:30-9 बज जाते हैं। अच्छा, जाते जाते 9 बज जाते हैं।
भीड़ हो जाती होगी शाम के टाइम में? शाम के टाइम में तो काफी भीड़ हो जाती है मैम, लाइन लग जाती है। तो रौनक कब लगती है? रौनक तो मैम ज्यादा भीड़ होती है, कस्टमर हमारे पास होते हैं और मैम भीड़ लगती है, तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे चीज पसंद आई और लोग भीड़ में भी खा के जा रहे हैं। फीडबैक काफी अच्छा है, मतलब आपका भीड़ में हमें मन लगता है हमारा। चलिए ये देखिए आप, बन गया है लगभग और भैया ने कटिंग स्टार्ट कर दी है। अच्छा, पूरी पिज्जा की तरह कटिंग होगी, जैसे पिज्जा आपको स्लाइसेस में मिलता है वैसे ये भी आपको स्लाइसेस में मिलेगा। और ये देखिए बटर डाल दिया है भैया ने ऊपर से इसके, मतलब मक्खन का स्वाद बराबर आएगा आपको। और एक बार ये पलट के फिर दोबारा से बनाएंगे। आप सभी अगर मेले में आते हैं तो आप एक बार आके यहाँ पर मूंगलेट पिज्जा जरूर ट्राई करें। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, और साथ ही अगर आप आते हैं और यहाँ पर खाते हैं तो खा के अपना फीडबैक हमें कमेंट के थ्रू भी जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। आप सभी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दिखा दो, वहाँ दिखा दो, ये हटा दो, ये दिखा दो। जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए आप कलर देख सकते हैं कितना प्यारा आ गया है। ये कौन सा मसाला है? चाट मसाला होता है, चिंगी चाट। चाट मसाला डाल दिया और आप ये देख सकते हैं प्लेट बिल्कुल रेडी हो गई है। इसके साथ चटनी कौन सी दी जाती है? ग्रीन चटनी, रेड चटनी दोनों। ये देखिए ये बिल्कुल आपका तैयार है। मैं इसको टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसा बना है। आप अगर यहाँ आते हैं तो जरूर आए और फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।